ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारा योग बहुत अच्छा हो रहा है, इसका पैमाना क्या है, कैसे मापेंगे इसे? मान लीजिए मुझे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरा योग बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, वहीं खड़ा हूँ या पीछे हट रहा हूँ, क्या निशानी है उसकी, पैमाना क्या है? खुशी होगी और संतुष्टता होगी, हल्कापन आएगा, स्थिति अच्छी होगी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे पैमाने हैं। 3 पैमाने मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इन पैमानों के आधार पे अपने आप को देखिएगा। अब हमें योग को बढ़ाते चलना है ना, क्योंकि तो बाबा कहते हैं मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वो हैं जो कम से कम मुझे 8 घंटे याद करते हैं। और हम अपने योग के चार्ट को 8 तक तभी ले जा सकते हैं जब हम कर्म योगी बने। कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपके सामने अभी रखूंगा जिनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, लेकिन 3 पैमाने उससे पहले। पहला पैमाना अपने योग को मापने का, पहला पैमाना स्पीड, स्पीड अर्थात गति, मैं कितना जल्दी किसी भी स्वरूप में स्थित हो पाता हूं। बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाओ, 1 सेकेंड में परमधाम की स्थिति में स्थित हो जाओ। क्या मैं स्थित हो पाता हूं? मुझे कितनी देर लगता है किसी भी स्वरूप में स्थित होने में, कितनी देर में स्थित होना है? 1 सेकेंड में। कईयों को 1 मिनट लग जाता है, कईयों को 5 मिनट लग जाता है, कईयों को आधे घंटे लग जाते हैं, फिर भी उस स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते हैं। तो हमें पास विद ऑनर होना है, तो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए 1 सेकेंड तक लाना है। कहा गया सेकेंड में स्थित हो, सेकेंड में अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। तो पहला पैमाना है स्पीड, दूसरा पैमाना है ड्यूरेशन। कईयों की स्पीड बहुत अच्छी होती है, फटाफट निकल के कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक भाई ने कहा कि आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा, बस मैं इस देह से निकल करके बस इस साकार लोक को पार करते हुए सूक्ष्मतन पहुंच गया, सूक्ष्मतन को पार करते हुए परम धाम पहुंच गया, परम धाम को भी पार करके मैं ऊपर जा रहा था। तो बाबा ने आवाज लगाई, बच्चे तो स्पीड बहुत अच्छी होती है ना, अब परम धाम से ऊपर मतलब नीचे, तो स्पीड बहुत अच्छी होती है, हम फटाफट परमधाम पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस स्पीड से परमधाम जाते हैं उसी स्पीड से नीचे भी आ जाते हैं। अभी अभी हमें लाल लाल परमधाम दिखाई दे रहा होता है, और अभी अभी लाल लाल टमाटर दिखने लगते हैं, लाल लाल तरबूज दिखने लगते हैं, हम सोचते हैं कह रहे मैं तो परमधाम में था, यहाँ बाजार में आके टमाटर कैसे खरीदने। तो स्पीड अच्छी है लेकिन ड्यूरेशन अर्थात देर तक किसी भी स्थिति में स्थित हो सकता हूं। बाबा कहते हैं तुम जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर तक चाहो अपने आप को स्थित रख सको, ये है योगी जीवन, ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, ये है मन पर कंट्रोल। ये नहीं कि मैं मन को चाहूं कि परम धाम में रहे और मन बार बार भाग के संसार में आ जाए। तो सेकेंड पैमाना ड्यूरेशन, और थर्ड पैमाना है क्वालिटी। मेरे योग की क्वालिटी डे बाय डे रिफाइन होती जाए, डे बाय डे। एक आम आपको 5 रुपए में भी मिलता है और वही आम आपको 25 रुपए में भी मिलता है, डिफरेंस क्या है? क्वालिटी डिफरेंस। मैं अपने योग की क्वालिटी को डीप से डीप करता जाऊं, मुझे खुद फील हो कि कल जैसे मेरा योग था आज उससे और सूक्ष्म हुआ, कल उससे और सूक्ष्म हुआ, परसों और मैं उसकी क्वालिटी को निखारता चल रहा हूं। इसको तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं, इसको निरंतर आगे बढ़ना कहते हैं। तो इन 3 पैमानों के आधार पे अपने योग को हम चेक करेंगे।